राम राज को लाने वाली यह सड़क है, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है और शायद इन्हीं उम्मीदों और इन्हीं भरोसे पर उत्तर प्रदेश की जनता ने सोनभद्र से चारों विधायक भाजपा को दिए थे। नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। यह कोरियांव है भवानीगंज, जिसको बोलते हैं चतरा ब्लॉक का 1200 वोटरों वाला गांव। आप देखिए इस सड़क पर किस तरीके से यह बुजुर्ग गिरे हैं, इनको गंभीर चोटें आई है यह खुद ही बता रहे हैं। लेकिन यह हालात देखकर क्या यहाँ के सरपंच, ग्राम प्रधान, मुखिया, जो भी आप कहते हों, और यहाँ के विधायक को शर्म आएगी? अगर आएगी तो जाहिर सी बात है हमारी धरोहर, हमारे लिए ज़रूरी, इन बुजुर्गों के लिए कम से कम आने जाने का रास्ता तो ऐसा कीचड़ वाला नहीं होगा। यह हमारे साथी मोहित मणि शुक्ला ने वीडियो भेजा है भवानीगंज गांव से। आप खुद ही देखिए, अंदाजा लगाइए कि यह बुजुर्ग किस तरीके से इसमें गिरे पड़े हैं। बाबा जी, कैसे गिरे आप वहाँ पे? गाड़ी से हवा चली जी, कहीं लगा है? केवनाठी में लगा है, केवनाठी में भी लगा है, कमर में भी लगा है। अच्छा, कमर में भी चोट लगा है। अच्छा, यह है गांव की दुर्दिन दशा। स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के तहत ऐसी स्थिति पूरे गांव में, भवानी गांव में यह स्थिति बनी हुई है। आना जाना दुश्वार हो गया है। रुक जाए एक मिनट, तो मोटरसाइकिल से गिरे हैं बाबा? अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, जा लल्लू जा 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 उठा। आपको बता दें कि यूपी में इस समय राम मंदिर की नींव रखी गई है, भूमि पूजन हो गया है और चारों तरफ भाजपा बम बम है, क्योंकि उसने विकास की जो नींव है उसको शायद पूरी कर ली है। भगवान राम का राम राज आने के लिए अच्छी नीयत और सोच होनी चाहिए, जो शायद सोनभद्र के इन विधायकों में और सांसद में नहीं दिख रही है। यह उनको बुरा मानने की बात नहीं है, यह उनके द्वारा आगे बढ़कर इस गांव को, इस बुजुर्ग को राहत दिलाने का प्रयास करने पर लोगों को समझ में आएगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से यह कीचड़ वाली सड़क है, कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में सरकारें इस पर फिसल कर गिर जाएं।